लेकिन फ्रेंड्स, मुंबई का किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मुंबई का मांगुर मच्छी बनाते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और आप भी ज़रूर बनाइएगा। एक किलो मांगुर मच्छी और ये हल्दी उस पर डालेंगे, नमक डालेंगे एक चम्मच। और ये मच्छी ना फ्रेंड्स खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, इसके लिए मैंने लेके आई। आप भी एक बार बनाइए, खाइए, अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि कमेंट आप लोग करेंगे ना तो मेरा हौसला बढ़ता है कि हाँ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किए और उसके ऊपर और अच्छे से, मतलब मैंने मेरे करने का ना हौसला बढ़ते रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्स हो गया। अब इसको ना तेल में फ्राई करेंगे। ये देखिए तेल मैं पहले से ले चुकी हूँ कढ़ाई में। अब एक एक करके मच्छी इसमें डालेंगे। तेल मेरी पहले से ही गर्म थी फ्रेंड्स। ये मांगुर मच्छी ना फ्राई करने में बहुत ज्यादा ही फीटा आता है, तो इसको संभल के कीजिएगा। ये देखिए एक तरफ से मेरी मच्छी पक गई, अब दूसरे तरफ पलटते हैं, देखते हैं क्या कलर हुआ है। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है और इसका ना छीटा फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ही पड़ता है। इसको ना संभल के आप लोग फ्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा छीटा आंग के आता है ना बेटा। तो फ्रेंड्स देखिए अभी ये मच्छी फ्राई हो गई और ना मेरी बहन आ गई थी देखने की मैं खाना बनाई कि नहीं बनाई, तो अभी नहीं बना है, मैंने बोल दी अभी नहीं बना है, तो फिर चली गई। उसके बाद अपना वीडियो कंटिन्यू चालू है फ्रेंड्स। आप लोग बताइएगा हाँ कि मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ। ऐसे तो मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ वीडियो बनाने वाली, मगर फिर भी मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के वीडियो पे खरा उतर जाऊँ और अच्छे से अच्छे आप लोग को वीडियो दूँ। तो ये देखिए अपनी मच्छी फ्राई हो गई। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सारे मच्छी फ्राई करके इसमें रख लिया। और ये मैं ना ये हमारे इधर मतलब बिहार में ये फ्लावर और रोटानी डाल के बनाते हैं मच्छी और टमाटर, तो उसी स्टाइल में मैं बना रही हूँ। आप लोग से अगर पसंद आएगा तो बताइएगा। तो ये देखिए ये फ्लावर को इसमें बड़े पीस में काट ली हूँ और इसको तेल में फ्राई करूँगी, जिसमें हम लोग मच्छी फ्राई किए थे ना उसी में। तो ये देखिए मैं एक एक करके इसमें डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। फ्लावर मैं इसमें डाल दी। अब ना इसको 2 मिनट के लिए ढक के इसको तेल में पकाएंगे। तो फ्रेंड्स अपना 2 मिनट हो गया, आप खोल के देखते हैं कि मतलब इसका कलर कैसा हुआ। ये देखिए अब इसको ना पलट देते हैं, ऐसे अलग पलट के ना इसको थोड़ा दल में पलट पका लेते हैं कि सालन में डालने के लिए तैयार हो गया। तो ये फ्लावर हो गया फ्रेंड, अब इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। फिर इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो इसी तेल में ना फ्रेंड्स ये राई डालेंगे, इसको चटकने तक पकने देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसमें मैं मसाला डाल दूंगी राई चटकने के बाद। ये वाके धुल के थोड़ी सी पानी इसमें डाल देंगे मसाला पकने के लिए। इसी के साथ साथ ये टमाटर है इसको भी डाल देंगे, वो आने हैं इसको भी डालेंगे। और ये फ्लावर तो मतलब 50% पक गया है, 50% बाकी है, तो हम लोग इसके मसाले के साथ ही पकाएंगे।
उसको ढक के पकाएंगे कि फ्लावर गल जाए और काना गल जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग जो मसाला और फ्लावर और काना डाले थे ना, ये देखिए इसको 5 मिनट हो गया, देखते हैं गला है कि नहीं फ्लावर। ये देखिए हो गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मसाले और फ्लावर दोनों पक गए हैं। ये देखिए फ्लावर भी गल गए हैं और इसमें हम लोग ग्रेवी के अनुसार पानी डाल देंगे। ये देखिए ये देखिए पानी डाल के हो गया, 2 मिनट और इसको ढक के पकाएंगे, उसके बाद उबल आने के बाद फ्राई किया हुआ मच्छर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हो गया 2 मिनट अपना, ये देखिए उबाल आ गया है और इसमें मच्छर डाल देंगे। फ्रेंड्स यहाँ ये मच्छी पूरे इसके अंदर सालन के अंदर डिप करेंगे, फिर उसके बाद 2 मिनट ही सिर्फ पकाएंगे क्योंकि मच्छी फ्राई किया हुआ है ना, पका हुआ है मच्छी, तो 2 मिनट ही पकाएंगे, खुला रख के पकाएंगे, हाँ डट के नहीं। तो ये थोड़ी सी कश्मीरी मच्छी इसके अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए मच्छी का सालन बन के तैयार हो गया, अब गैस बंद कर देंगे। फ्रेंड्स चलिए सर्व करते हैं और देखते। तो ये देखिए फ्रेंड्स मच्छी बन के तैयार हो गया, सर्व कर दी हूँ, आप सब आइए खाने के लिए। और मसाला देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और ये डिश ना आप एक बार बना के जरूर खाइएगा क्योंकि ये ना हम लोग का इधर का ही स्टाइल बनाने का है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट तो जरूर करके बताइएगा। बाय बाय।